हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोबाइल पे प्लेबैक कैसे देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सी वी प्लस का DVR या NVR है, उसका हम लोग जो प्लेबैक होता है वो मोबाइल पे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ अपनी JC मॉम। ठीक है, हम लोग जाते हैं यहाँ पे प्लेबैक के ऑप्शन में। ठीक है, प्लेबैक के ऑप्शन में गए, यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास कि हमारे पास जो भी हमने कैमरा या DVR NVR ऐड कर रखा है उसका प्लेबैक हम लोग मोबाइल पे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक NVR है जिसमें मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रखी है, एक हफ्ते पहले की रिकॉर्डिंग है मेरे पास अवेलेबल। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पास 20 तारीख तक की रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मैं मोबाइल एप्लीकेशन में जाता हूँ अपने पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 21 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, और जो स्टार्ट टाइम है वो शाम के 5 भी कर देता हूँ, और 21 तारीख एक बार मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ जो एंड टाइम होता है, और रात के मैं 10 बजे तक का 11 बजे तक मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके कर लेता हूँ। अब मेरे को जिसका रिकॉर्डिंग मेरे को सर्च करना है, सपोज करिए मुझे पार्किंग का चेक करना है, तो मैंने पार्किंग सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और एक बार मैं इसे स्टार्ट प्लेबैक करके देखता हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं टाइम मैंने डेट गलत डाल दी है। मैं एक बार इसे 21 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो टाइम है रात की 11 बजे तक, ओके कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। एक बार दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेरा सर्च स्टार्ट टाइम है वो 21 तारीख है। ठीक है, और शाम को 5 बजे से लेकर जो मेरा एंड टाइम है शाम के 21 बजे लेकर रात के 11 बजे तक, मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, पार्किंग कैमरा मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मैं पे स्टार्ट प्लेबैक सेलेक्ट करता हूँ। ऊपर स्टार्ट टाइम में 21 तारीख आ गई, एंड टाइम में भी 21 तारीख आ गई, शाम को 5 बज के रात की 11 बजे तक मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं एक बार इसको बड़ा कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं 21 तारीख शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेरे पास रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाती है। तो इसका मतलब ये होता है, हमारे अगर DVR में अगर एक 15 दिन का 30 दिन का अगर बैकअप भी अवेलेबल होता है तो उसको भी हम लोग मोबाइल पे एक्सेस करके देख सकते हैं। तो इसके लिए सेटिंग में हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग जाते हैं NVR में। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नीचे मैनुअल का। ठीक है, मैनुअल में जाएंगे रिकॉर्ड का। तो ये सेटिंग मैंने पहले से कर रखी थी, सब स्ट्रीम में मैनुअल पे रिकॉर्डिंग हमें स्टार्ट करनी है। तो ये सेटिंग हमें करनी पड़ती है मोबाइल पे प्लेबैक देखने के लिए। जैसे ये सेटिंग मैंने इनेबल कर रखी थी, ऐसा होता है कि जब हम लोग सेटिंग इनेबल करते हैं उसके तुरंत बाद ऑटोमेटिक नहीं दिखाता, जो ये NVR है वो सब सिम की रिकॉर्डिंग अलग से करता है। तो जब अलग से रिकॉर्डिंग करेगा तब जाके वो मोबाइल पे प्ले हो जाएगा। तो हम जब भी ये सेटिंग करते हैं उसके 2-3 घंटे बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रिकॉर्डिंग में हमारे मोबाइल पे एक्सेस होकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक इशू मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे जब हम ये सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सर्च किया है 21 तारीख का मैंने डाला था। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं। ठीक है, और जो एंड टाइम है वो 27 तारीख है। अब इसमें मैं ओके करता हूँ तो कैमरा सेलेक्ट करता हूँ मैं एक बार। ठीक है, स्टार्ट लाइव प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे एरर आता है, सर्च पीरियड कैन नॉट एक्सीड 72 आवर्स। मतलब जो हम यहाँ पे सर्च करेंगे वो 72 घंटे से ज़्यादा हम लोग सर्च नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसी को मैं अगर 22 तारीख अगर मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ओके करता हूँ। ठीक है, शाम को 6 बजे तक मैं एक बार स्टार्ट प्लेबैक करता हूँ। तो देखिए, आप ये देख रहे हैं 21 तारीख शाम को 5 बजे से लेकर अब मेरे पास ये रिकॉर्डिंग जो मिलेगी, देखिए 23 तारीख को सुबह 10 बजे तक मुझे मेरे पास ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भी हम लोग सर्च टाइम करते हैं उसमें हमारे पास उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम 72 घंटे मतलब 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जितने भी आपके NVR में या DVR में रिकॉर्डिंग है, जितने आपके हार्ड डिस्क की टोटल स्टोरेज है, वो आप उस पर टोटल आप उसका मोबाइल पे आप एप्लीकेशन पे इसका प्लेबैक चेक करके देख सकते हैं। थैंक यू।